क्या क्वेश्चन है अजेंद्र का? सर मेरा वजन 50 किलोग्राम है, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं, 50 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए। वजन तो बढ़ा सकते हो आप, बढ़ा लो समय रहते, अभी बहुत समय है अपने पास। हेलो संदीप कुमार, जय हिंद। जय हिंद धीरज, आवाज प्रॉपर आ रही है? राम राम विष्णु, जय हिंद सभी को। शरद ठाकुर, अरविंद सिंह, जय ओझा, रत्नाकर चौधरी, सभी लोगों को जय हिंद, राम राम, गुड इवनिंग। आ जाओ फटाफट, चर्चा करेंगे आज मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती 2020-21 कितने फॉर्म, क्या सब कुछ आज इस वीडियो में जो है अपन बातें करेंगे। आपके क्वेश्चंस फॉर्म रिजेक्शन के संबंध में, किनके फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं, फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं तो क्या करना चाहिए आपको, पेमेंट का इश्यू आ रहा है तो क्या करना चाहिए, सब बातें आज इसमें अपने मन की बात स्लाइड सेशन में अपन आज करेंगे। कमेंट्स में जो भी आपके मन में प्रश्न हैं कमेंट्स में आप कर सकते हैं, उनके आंसर आप लोगों को मिलेंगे। सभी लोगों को राम राम, जय हिंद, जय भारत। सर जो रेडियो का क्या मैटर है बताओ, रेडियो का क्या क्या मैटर है विष्णु? रेडियो की वैकेंसी है, 138 वैकेंसी है रेडियो का। दो पेपर होंगे, एक जो जीडी का होगा वो पेपर होगा, पहला, दूसरा पेपर रेडियो का टेक्निकल पेपर होगा। टेक्निकल पेपर का सिलेबस मैं ऑलरेडी एक वीडियो में आपको बता चुका हूँ, वहां से आप चेक कर सकते हैं। रेडियो की अलग से मेरिट बनेगी, कॉन्स्टेबल जीडी की एक मेरिट अलग से बनेगी, ठीक है? चॉइस जो आपने भरी है, आपकी प्राथमिकता के अनुसार, आपके रेफरेंस के अनुसार आपको वो जिला अलॉट किया जाएगा, वो शाखा अलॉट होगी जिस शाखा में आप क्वालिफाई कर रहे हैं, जिसकी मेरिट में आप जो है क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक? और कोई कुछ है ही नहीं रेडियो में, बाकी सब सेम है, सैलरी स्ट्रक्चर सेम है, प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा पेपर का जो प्रोसेस है या पेपर का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा अलग है, बाकी प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस पूरी सेम है। जिस तरह से मेडिकल प्रोसेस होती है जीडी की, वही मेडिकल प्रोसेस, वही मेडिकल सब कुछ रेडियो का है, कोई अंतर नहीं है। बाकी सिर्फ एग्जाम का अंतर है, एग्जाम रिटर्न जो होगा आपका वो अंतर है, और थोड़ा योग्यता का अंतर है। योग्यता में बता दूं आपको, पुलिस कांस्टेबल रेडियो की योग्यता जो है वो थोड़ा सा जीडी से ऊंची है। ऊंची का मतलब ये कि इसमें 10th क्लास मांगते हैं, उसमें 12th+ ITI या पॉलिटेक्निक या BE का डिप्लोमा मांगा है, जो कि आपका इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स या मैकेनिकल इन रेडियो एंड टेलीविजन, और एक दो चीजें और हैं उसमें। इन चीजों में, इन विषयों में अगर आपका कोई डिप्लोमा है, ITI, पॉलिटेक्निक या BE का डिग्री है, तो आप रेडियो के लिए एलिजिबल हैं। BCE BCA, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, और DCA PGDCA वाले इसमें पात्र नहीं माने जाएंगे। बहुत से कमेंट्स आते हैं, सर BCA किया है, इसमें मान्य होगा कि नहीं होगा? तो मैं बता दूं आपको, BCA जो है कंप्यूटर एप्लीकेशन की डिग्री है, कंप्यूटर के लिए तो मान्य होगा, लेकिन रेडियो के लिए मान्य नहीं होगा, क्योंकि रेडियो में इलेक्ट्रिकल से संबंधित चीज मांगी है। अगर उसमें वाकई आपके, अगर BCA में, मुझे नहीं पता BCA में क्या सब्जेक्ट रहते हैं, पर अगर BCA में इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, और इलेक्ट्रिशियन से संबंधित विषय अगर रहते हैं, तो फिर आप एलिजिबल हैं, आपको जरूर फिर रेडियो में अप्लाई करना चाहिए। अन्यथा आपके लिए GD और SAF तो फिर है ही, यानी कि DEF और SAF तो फिर आपके लिए है ही। हेलो सर जी, कानपुर से हूँ। ओके सिटी ब्लॉक, स्वागत है आपका भी। बुक्स फॉर MP पुलिस, बुक फॉर MP, MP GK की बुक की अगर आप बात कर रहे हैं, तो देखो MP GK की, राहुल वो जो बुक रखी है वो लेके आओ जरा, तीनों ले आना। चलो मैं आपको MP GK की जो बुक है वो बता देता हूं। मैंने आपको बताया था, एक बुक थी ऑब्जेक्टिव में थी, MP GK के लिए बढ़िया बुक है, शानदार, आप प्रैक्टिस भी करिए MP GK की उससे। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, यही रखी है, अच्छी बुक है, मैं पढ़ के देख चुका हूँ, बहुत अच्छी है और ज्यादा महंगी भी नहीं है, सस्ती है। MP GK वाली, MP GK की रखी उधर ही, वो लेके आओ। हाँ ये जो ये प्रैक्टिस सेट है इनकी भी मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ा सा, पहले MP GK की बुक की बात कर लें अपन, उसके बाद हाँ एक और MP GK की
शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से एक भाई ने बहुत बढ़िया निकाला है, वो भी आप खरीद सकते हैं। उसकी भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अभी मैं किसी की लिंक मैंने नहीं दी है, ना तो ये बुक की लिंक्स दी है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में, ना उस ट्रिकी जो बुक है MPGK की उसकी दी है, और अभी कोई लिंक नहीं डाली है मैंने। पर इसके अपलोड होने के बाद मैं इसमें जरूर लिंक डाल दूंगा, तो आप चिंता ना करें। आप अगर यहाँ से डल जाएगी तो अभी अभी तो संभव है नहीं, नेवल फ्लैश यहाँ से अभी संभव नहीं है, मोबाइल से लाइव आ रहा हूँ मैं। तो ये वो बुक है सामान्य ज्ञान, जिसमें आपको मिलेंगे 3000 क्वेश्चन, 3000 से ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे आपको कायम में इस एक छोटी सी बुक में। MP का पूरा MP सामान्य ज्ञान है, मैं आपको बता देता हूँ इसकी विषय सूची भी बता देता हूँ आपको। ये देखिए मध्य प्रदेश का पूरा GK आपको इसमें कवर हो जाता है, पूरा GK MPGK टोटल कवर हो जाता है इस बुक में। एक हल्की सी बुक है, छोटी सी, जो कि आपको बहुत सस्ती भी मिल जाती है। और कुछ नहीं, आपको क्या करना है, अभी लिंक दे दूंगा इस डिस्क्रिप्शन में, इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगा तो एक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी मैं लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप अपने घर पर इसको मंगा सकते हैं इजीली। ये एग्जाम कार्ड की बुक है, अग्रवाल एग्जाम कार्ड की, आप अग्रवाल एग्जाम कार्ड के बुक्स वहां से मंगाएंगे तो अभी मैं आपको लिंक दे दूंगा, तत्काल आप जैसे क्लिक करेंगे आपको ये बुक मिल जाएगी, ठीक है। MP का पूरा आप प्रैक्टिस करिए, सेट लगाइए, इसमें टोटल ऑब्जेक्टिव है, तो ये आप बुक MPGK के लिए ले सकते हो। अभी किसी ने क्वेश्चन किया था तो मैंने ये बताया उसको, ठीक है। बाकी आप लोग जो भी MPGK पढ़ना चाह रहा है ऑब्जेक्टिव में, ये बहुत अच्छी बुक है, आप ये ले सकते हो। इसके अलावा मैं और बात करूं, अब चूंकि बुक की बात करी है तो बता ही देता हूं, एक ये है पढ़ लीजिए, आपको दिख रहा होगा, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल जनरल ड्यूटी भर्ती परीक्षा। ये GD के लिए, रेडियो के लिए नहीं है, ये रेडियो के लिए नहीं है, रेडियो में पहले पेपर के लिए काम करेगा, रेडियो का भी जो पहला पेपर होगा उसके लिए ये काम करेगा। तो ये है अपनी 15 प्रैक्टिस सॉल्व पेपर है आपको उसमें, प्रैक्टिस सेट है 15, जो कि टोटल सॉल्व दिया है, सॉल्यूशन के साथ दिया है, पूरा डिटेल सॉल्यूशन दिया है हर सब्जेक्ट का, और सभी विषय जो MPP पुलिस कांस्टेबल के GD के पेपर में आते हैं सभी कवर हो जाते हैं। तो ये भी आप अच्छी बुकें ले सकते हैं, पांच पेपर भी है ना, सॉल्व पेपर पुराने 2017 वाले, हाँ, फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट, बढ़िया है, शानदार बुक है, बढ़िया है, ये बुक है अच्छी है, क्वालिटी भी अच्छी है। बाकी जब मैं दुकानदार तो हूँ नहीं जो आपको ऐसे बेच बेच के बताऊं, बस मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप लेना चाहें तो ये ले सकते हैं, बढ़िया बुक है। इसके अलावा अपन बात करें तो एक और है ये, हाँ ये सॉल्व पेपर है, मैंने आपको वीडियो में बताया था एक में, कि जो 35 सॉल्व पेपर 2017 में जितने पेपर हुए हैं ना, सभी के सॉल्यूशन के साथ यहाँ पे दे रखा है, तो आप इसको भी ले सकते हो। ये तीनों एग्जाम कार्ड की बुक हैं, अग्रवाल एग्जाम कार्ड की, बहुत अच्छी बुक हैं, तीनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। बढ़िया बुक है, शानदार, इसमें तो पूरा 2017 के जितने पेपर हुए थे ना सभी को सॉल्यूशन के साथ दिया है, बहुत बढ़िया, सभी विषय की, ठीक है। तो ये हो गई बुक की बात। अब मैं आपसे बात करूं कि ट्रिकी बुक है MPGK की, तो अगर ट्रिकी आप ई बुक डाउनलोड करना चाहते हैं तो मात्र 2900 रुपए में वो ट्रिकी ई बुक मिल जाएगी आपको, ठीक है, एक छोटे से क्लिक के साथ। तो आप क्लिक कहाँ करेंगे, लिंक पर, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, लास्ट में सभी की, बुक्स की भी और MPTR की ई बुक की, सबकी लिंक में दे दूंगा बाद में, ठीक है। अभी मैंने कुछ नहीं दिया है, डायरेक्ट लाइव आ गया, मुझे पता नहीं था कि आप लोग बुक का पूछोगे, तो पूछा है तो बता देंगे, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कट ऑफ के बारे में तो वीडियो बना ही चुके हैं पहले, अक्षय चौधरी कट ऑफ का वीडियो आपने नहीं देखा है तो कट ऑफ का वीडियो आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। ट्रिकी बुक विष्णु प्रजापति, वहां उसी की बात कर रहा हूं मैं, ट्रिकी बुक की, शानदार है वो भी ई बुक, 2900 रुपए मिलती है आपको, उसकी लिंक दे दूंगा। कोई दिक्कत आए उसको खरीदने में, अगर आपको पता ना हो कि कैसे खरीदा जाएगा, अगर बहुत से ऐसे लोग होंगे जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं कर पाते हैं या दिक्कत आती है, डरते हैं कि करें कि नहीं करें, कहीं हैक तो नहीं हो जाएगा फोन, तो उसके लिए एक नंबर दे दूंगा, मतलब हेल्पलाइन नंबर, उस पर आप अपनी मदद लेके और अपना कर सकते हो। प्रीवियस ईयर में तो मेरे 75, 77, 79, 82 ऐसे मार्क्स बन रहे हैं अविनाश राय, बहुत अच्छे मार्क्स हैं, और तैयारी करो, मैं चाहता हूं कि आप 85 प्लस आए आपके पुराने पेपर में, अगर आपके 85 प्लस और 90 प्लस अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया तैयारी मानूंगा फिर मैं आपकी, तो और कोशिश करिए अविनाश, और कोशिश करिए। EWS के बारे में कोई, हाँ EWS का सर्टिफिकेट आपने, अब तो आपके पास बहुत कम टाइम है ही नहीं, अब तो आज लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, जिन्होंने EWS से फॉर्म भरा है हो सकता है उनका कट ऑफ कम जाए, और बाकी फायदा भी है, बहुत से लोगों के पास था नहीं,
हाँ डेट बढ़ने से कुछ लोगों ने बनवा लिया है, लेकिन अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास आज भी नहीं है। मैं अपने खुद की बात करूं तो मेरे बहुत सी नज़र में ऐसे लोग हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है, ईडब्ल्यूएफ में पात्र हैं, लेकिन ईडब्ल्यूएफ सर्टिफिकेट ना होने के कारण जनरल से फॉर्म भर रहे हैं। तो एक चांस एक हो सकता है, बढ़िया मौका अवसर हो सकता है। फिजिकल के लिए कितने लोगों को बुलाया जाता है? सर फिजिकल के लिए जितनी वैकेंसी होती है उनसे 5 गुना लोगों को बुलाया जाता है। अगर वैकेंसी 5,000 है तो 25,000 लोगों को बुलाएंगे, 14,000 जब थी तो 70,000 लोगों को बुलाते थे, इस बार वैकेंसी 4,000 के समथिंग 4,000 है तो समथिंग 20,000 के लगभग आपको बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। ठीक सर, रेडियो में 2 बार फिजिकल देना होगा? किसने कहा आपसे रेडियो में 1 ही बार फिजिकल दे? फिजिकल सबका 1 ही बार होगा। अगर आप रेडियो के लिए चूज कर रहे हैं तो 1 ही बार फिजिकल देना है आपको, ठीक है। अगर आप जीडी में चूज कर रहे हैं तो फिजिकल 1 ही बार देना है। दोनों के लिए कर रहे हैं तब भी आपको 1 ही बार फिजिकल देना है मेरे दोस्त, बार बार फिजिकल नहीं होगा। फिजिकल आपकी शारीरिक अहर्ता को पूरी करता है, शारीरिक आपकी जो अहर्ता है, शारीरिक आपके जो मापदंड होते हैं उनको देखा जाता है फिजिकल में। 1 ही बार आपने सिद्ध कर दिया कि मैं इसके लिए फिट हूं तो बार बार देने की जरूरत क्या है 1 ही बार्ती में, इसलिए 1 ही बार लिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सर मध्य प्रदेश पुलिस असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की भर्ती आएगी कि नहीं, इसके बारे में कुछ बताइए। एमपी एएसआई की जो भर्ती होती है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हाँ एएसआई की भर्ती 2 तरह से होती है। एक होती है एएसआई एलडीसी जिसका ग्रेड पे 2800 होता है, और एक होती है एएसआई एम यानी कि मिनिस्ट्रियल यानी कि अनुसचिवीय, उसका ग्रेड पे होता है 1900, कांस्टेबल के बराबर होता है, तो जिसको हम बाबू कहते हैं। अगर वो भी बहुत दिनों से भर्ती हुई नहीं है, बहुत सालों से नहीं हुई है, और ये भी भर्ती से बहुत समय से नहीं हुई है, 17 में हुई थी लगभग, 16 या 17 में हुई थी, तो वो भी बहुत टाइम से नहीं हुई है, तो संभावना है इस बार ये दोनों भर्ती आएंगी। और इसके अलावा होमगार्ड की भी आएंगी, होमगार्ड में प्लाटून कमांडर की भर्ती कब से नहीं हुई है भाई, 16 से नहीं हुई है भर्ती, और एमपीएसआई की तो खैर सबको इंतजार है, आएंगी ही। तो इस साल, ये साल हो सकता है बहुत सी भर्तियों को लेकर आए, और इस साल अगर नहीं हुआ तो 22 में तो बहुत सारी भर्तियां पक्का ही आनी है, क्योंकि उसके बाद चुनाव भी है आपको पता है। क्वेश्चन करो फटाफट, एक ही क्वेश्चन को बार बार मत करो, दिक्कत होती है। अपने साइंस कहां से कंप्लीट की थी? मैंने साइंस कहां से कंप्लीट की थी? देखो मैं साइंस का विद्यार्थी रहा हूं, और मैंने बीएससी बायोलॉजी से किया है, और 12th और 11th में भी मेरा बायोलॉजी था, तो कहीं ना कहीं मेरा साइंस तो शुरू से ही बहुत अच्छा रहा है। मैथ थोड़ा सा कमजोर था, मैथ के मैंने आपको बता ही चुका हूँ कहाँ से तैयारी करी है, बाकी साइंस की तो तैयारी मेरी पहले से थी। हाँ थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है, तो ल्यूसेंट के पीछे जो दिया रहता है साइंस, उसमें से पढ़ा है, एक ल्यूसेंट की साइंस की मेरे पास थी उसमें से भी पढ़ा है, स्पीडी जो बुक आती है रेलवे की सामान्य अध्ययन की उसमें भी साइंस कहीं ना कहीं रहता है, मैंने वो भी पढ़ा है। साथ ही साथ मैं गेस्ट टीचर में पढ़ाने जाता था, तो स्वाभाविक है मेरा विज्ञान सब्जेक्ट था, तो वो मैंने एनसीईआरटी में से पढ़ाया है, तो एनसीईआरटी भी कहीं ना कहीं मैंने पढ़ी हुई थी। तो इस तरह से मेरा साइंस जो है ऑल ओवर होल तरीके से जो है कंप्लीट था मेरा साइंस। तो और 10 नंबर की साइंस आती है तो इतना कुछ डीप नहीं पूछा जाता, ये समझ लीजिए कि बस सतही ज्ञान अगर आपको साइंस का है तो आपका साइंस में अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। 153 हाइट में सेक्शन सिलेक्शन, सिलेक्शन नहीं लिखा आपने निक्की, होगा कि नहीं फीमेल का? 153 में नहीं होगा, 155 हाइट कर दी है, 155 में ही होगा। सर एमपी, सर मैं यूपी से हूँ, कुछ बताओ सर प्लीज। द हॉर्स राइडर विक्रांत सिंह, विक्रांत बताना कुछ नहीं है, एमपी जीके की तैयारी कर लो। आप यूपी से हो तो यूपी जीके पढ़ते आए होगे, अभी तक आपने एमपी जीके नहीं पढ़ी होगी, एमपी जीके को अच्छे से पढ़ लो, एमपी जीके के बहुत सारे क्वेश्चन इस बार बनेंगे, 10 क्वेश्चन मिनिमम मानकर चलिए, ऐसे मैं पिछली भर्तियों को देख के एक अंदाजा लगा रहा हूं। पेपर का तो कुछ कह नहीं सकते कि 100% कहां से क्या आएगा, लेकिन हाँ संभावना है कि मिनिमम 10 मार्क्स का तो आना है, अब देखो कितने का आएगा, लेकिन 10 नंबर तो एमपी जीके से बनते हैं। तैयारी अच्छी रखिएगा मध्य प्रदेश जीके की, मैंने अभी आपको बुक भी बता दी है, वहां से आप बुक परचेस कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा वीडियो अपलोड होने के बाद, थोड़ा सा समय लगेगा इसमें, 1-1.5 घंटे का, 1 घंटे बाद आपको मिल जाएगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। भैया अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स का मतलब पता नहीं होता है तो थोड़ा सा अपने आसपास लोगों से जो थोड़ा सा चलाते हैं यूट्यूब उनसे पूछ लिया करो, क्योंकि कई बार चीजें रह जाती हैं, छूट जाती हैं, फिर आप ढूंढते रहते हो चीजों को। सर आपको आई सर्जरी पर जो भी पता हो प्लीज बता दीजिए। आई सर्जरी देखो ऐसा है कि लेंस जो डलवाते हैं लोग, लेंस डलवाते हुए लोगों को मैंने बहुत लोगों को देखा है, और आज वो एमपी प्लस में जॉब भी कर रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने लेंस डलवाए हैं। सर्जरी क्या लेंस डलवाने की होती है कि अब अलग से क्या सर्जरी होती है मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है इसकी, लेकिन कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि सर्जरी हमने करवाई है और वो पुलिस में है, तो हो सकता है कि ले लेते हो, मेडिकल में मान्य होती है वो सर्जरी,
पर अगर आप छोटी या कोई बहुत ज्यादा माइनर जो मिस्टेक या कह सकते हैं कि समस्या है, प्रॉब्लम है, उसके लिए अगर आप सर्जरी करवा रहे हैं तो गलत है। बहुत बड़ी दिक्कत है तो सर्जरी करवा सकते हैं, छोटी मोटी समस्याओं के लिए सर्जरी ना करवाएं, सर्जरी अच्छी नहीं होती है वैसे तो आमतौर पर। लेकिन मेरे ख्याल से ये समझ लीजिए कि एक दो लोगों से मैंने सुना है कि सर्जरी हम लोगों ने करवाई थी और अभी वो वर्तमान में कांस्टेबल के पद पर पदस्थ है, तो देख लीजिए, बाकी पता कर लीजिए। सबसे अच्छा मैं आपको उपाय बता देता हूँ, एमपी पुलिस की अगर अपन बात करें तो किसी भी एमबीबीएस डॉक्टर से आप पूछ लीजिए, जो सिविल हॉस्पिटल जो होती हैं सरकारी अस्पताल में जो सरकारी डॉक्टर होते हैं उनसे आप सलाह मशवरा कर लीजिए, वो आपको सही सही जानकारी देंगे, क्योंकि वो लोग मेडिकल करते हैं। एक्चुअली बात ये है, एमपी पुलिस का जब मेडिकल होता है जवान का, तो मेडिकल कहाँ होता है, सिविल हॉस्पिटल में, तो करने वाले वही लोग हैं, बाहर करने वाले, फेल करने वाले, पास करने वाले वही लोग हैं, तो क्यों ना हम उनसे ही राय लें, उनके पास सब गाइडलाइन रहती है कि किसको फेल करना है, किसको पास करना है, क्या बीमारी होने पर फेल करना है, तो क्यों ना हम उनसे ही जानकारी लें। तो उनसे आप जानकारी लीजिए, वहां जाइए, अपना मेडिकल करवा लीजिए, वो आपको ये भी बता देंगे आप फिट हैं अथवा नहीं। तो सबसे अच्छा बेस्ट ऑप्शन है कि उनसे ही आप मेडिकल के बारे में पूछें। बाकी क्या क्या होता है ये मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं कि मैं अगर आपसे कह दूं हो जाएगा और वो नहीं हुआ, तो वो भी आपको वो अच्छे से बता पाएंगे। और कोई भी सार्वजनिक जगह पर, जैसा कि अभी YouTube पे आप उससे क्वेश्चन करेंगे, तो मैं उस तरह से आपको शायद जानकारी ना दे पाऊं, क्योंकि ये बहुत प्रतिबंध रहते हैं यहाँ पे बोलने में। लेकिन कई चीजें ऐसी होती हैं जो शायद सामने फेस टू फेस आप पूछते तो मैं और ज्यादा अच्छे से डीपली उसको बता पाता, तो एक ये भी कारण होता है। तो आप प्लीज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किसी गवर्नमेंट डॉक्टर से पूछिएगा, वो आपको सही जानकारी देंगे मेडिकल के बारे में। पुलिस की कम सैलरी कब तक मिलेगी? ऐसा है कि 5 साल तो मुझे हो गए हैं सैलरी, सॉरी 4 साल हो गए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल में, तो सैलरी तो है कम, लेकिन ठीक है, अब शौक भी तो कोई चीज होती है, हमें वर्दी का बहुत शौक था, तो बस उसके आगे ये सैलरी कुछ मायने नहीं रखती है। यूनिफॉर्म जब आपको मिलती है तो फिर आप सब सैलरी वैलरी भूल जाते हो, क्योंकि यूनिफॉर्म आपका जुनून अगर है तो, पैसन अगर आप आपका है तो, बाकी तो फिर सब जगह ही कम है, एमपी में तो कम है ही। अब ये बताइए कमेंट में फटाफट कि किस किस व्यक्ति का, यानी आप जो मुझे देख रहे हैं 213 लोग अभी देख रहे हैं करंट में, तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनका जो पैशनेट है वर्दी के लिए, जो मतलब बस मर मिटना चाहते हैं वर्दी के लिए, ऐसे कितने लोग हैं जरा बताइए मुझे कि हाँ सर मेरे दिल में भी वर्दी के लिए उतनी ही जगह है जितनी आपके दिल में है। बताइए जरा मुझे, पता चले कौन कौन वर्दी के लिए इतना पागल है ना, मेड फॉर यूनिफॉर्म, बताइए जरा। DDU GKY का सर्टिफिकेट है रेडियो के लिए, हो सकता है कि राहुल कुमार माफ कीजिए, DDU GKY में समझा नहीं क्या है, हो सकता है ये कोई डिप्लोमा होता हो, मुझे जानकारी इसके बारे में नहीं है, कृपया किसी और व्यक्ति से पूछिए या फिर इसको करेक्ट करके पूछिए, क्योंकि हो सकता है ये डिप्लोमा कोई हो ही ना, आपसे मिसस्पेल या मिसटाइप हुआ हो, क्योंकि DDU GKY में मैंने सुना नहीं कभी। अच्छा, पुलिस की फिजिकल के लिए कितने लोगों को, ठीक है, 90 क्या है, तेजवीर सिंह के 90 मार्क्स आ रहे हैं क्या, 90 में तो बहुत बढ़िया स्कोर है भैया, ये समझ लो कि बस बन गए पुलिस। रेडियो में 2 बार फिजिकल देना होगा, अरे नहीं रोहित, 2 बार नहीं देना, फिजिकल 1 ही बार देना, किसने कह दिया तुमसे ये, फिजिकल 1 ही बार होगा, चाहे रेडियो के लिए भरो चाहे GD के लिए, चाहे दोनों के लिए भरो। यूपी स्टेट कोटा 15%, एडमिट कार्ड कितने दिनों में आता है, अगर 6 मार्च से ही एग्जाम नियत है और 6 मार्च से ही एग्जाम हुआ तो ये समझ लीजिए कि आपके 26 तारीख तक यानी 26 फरवरी तक आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, और अगर आपके एडमिट कार्ड 1 मार्च तक नहीं आए, समझ लीजिएगा कि डेट बढ़ेगी 100% बढ़ेगी, अगर 1 मार्च तक आपके एडमिट कार्ड नहीं आए, या 28-29 तक अगर आपके एडमिट कार्ड नहीं आए तो समझ लीजिएगा कि डेट बढ़ेगी, डेट खिसक जाएगी ऊपर, ठीक है। अब ज्यादा समय नहीं बचा है, 15 दिन बचे हैं मात्र, 15 दिन बाद आपको एडमिट कार्ड मिल जाएंगे, आज से 15 दिन बाद।
सर मध्य प्रदेश होमगार्ड भर्ती कब आएगी? मध्य प्रदेश होमगार्ड भर्ती भी आ सकती है इस साल, और इस साल नहीं आएगी तो अगले साल आएगी। देखो इतनी सारी भर्तियां आनी है, इतने सारे रिटायरमेंट होने हैं कि बस क्या बताएं। अब रिटायरमेंट होंगे तो कोई तो उनकी जगह लेगा, तो सरकार भर्ती भी करवाएगी, रिटायरमेंट के तत्काल बाद भर्ती तो करवाएगी नहीं। रिटायरमेंट होने से पहले से भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए, तभी तो भर्ती रिटायरमेंट के समय तक ज्वाइनिंग हो पाएगी नए लड़कों की। तो समझ लीजिए कि भर्ती इस साल शुरू हो जाएंगी बहुत सारी अंत तक, क्योंकि चुनाव मुनाव भी अभी खत्म होने ही है, वो तो मई जून तक निपट जाएंगे सब चुनाव वगैरह जो भी है। तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये लास्ट के चार मंथ जो है ना अपने पास, ये समझ लीजिए कि मेला है भर्ती का एक तरह से। और अगर इस बार भर्ती नहीं हुई 2021 में, तो 22 में तो समझ लीजिए छप्पर फार भर्ती आएंगी। तो मैं तो कहता हूँ जिन लोगों के पास EWS नहीं है वो बनवा लीजिए, जिनके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी है वो अपने चाक चौबंद रखिए बिल्कुल तैयारी को, हर तरह से, रिटर्न की तैयारी हो चाहे फिजिकल की हो चाहे वो डॉक्यूमेंट्स की हो, हर तैयारी को जो है अपनी को बिल्कुल चाक चौबंद रखिए। सर एग्जाम की डेट बढ़ेगी, मैं वही तो कह रहा हूँ कि एग्जाम डेट बढ़ सकती है। अगर 15 दिन बाद आपके 15 दिन तक एडमिट कार्ड आ जाते हैं तो ठीक है, 15 दिन बाद या 20 दिन बाद भी एडमिट कार्ड नहीं आया तो समझ लो डेट बढ़ गई। अब एकदम से छलांग मारनी पड़ेगी कमेंट्स पे, बहुत सारे कमेंट आ गए हैं। और एक ही सर, बचपन से मेरा ड्रीम है कि एक ईमानदार पुलिस वाला बनने का और देश की सेवा करने का, और मुझे सैलरी से कोई मतलब नहीं है। बहुत बढ़िया यार, सेम टू सेम मेरा ड्रीम था कि मुझे चाहे कोई उल्टे मुझसे पैसा ले ले यार, सैलरी ना दे भले और उल्टा मुझसे पैसा ले ले हर महीने, पर वर्दी दे दे एक बार। ये मेरा जुनून था वर्दी लेने से पहले, और वर्दी मिली। जब इतना तगड़ा जुनून आपका होगा तो आपको वर्दी से कोई रोका ही नहीं सकता लेने से, है ना। मेहनत ही उस लेवल की आप करने लगते हो ऑटोमेटिकली। तो ऐसा अगर जुनून रखेंगे तो ये 2-5 हजार रुपए कम ज्यादा मिलने से कुछ नहीं होता सैलरी का। सैलरी जितनी गवर्नमेंट दे रही है वो तो मिलेगी आपको। आपको क्या मिल रहा है? आपको अपने सपने मिल रहे हैं, जो आपने सपने देखे थे वो आज आपके सामने हैं, उनको आप जी रहे हो। इससे बड़ी बात और इससे बड़ी खुशी आपके लिए क्या हो सकती है बताओ? 2-5 हजार रुपए क्या मायने रखते हैं खुशी के आगे? तो भाई वर्दी का जुनून अगर आपके अंदर है तो तैयारी करो तगड़ी, और इस बार वर्दी लेकर रहो। वर्दी समझ लो कि बस, है ना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, जिसमें हरिद्वार हार्डवेयर इट करवाते हैं, हार्डवेयर आईटी और बीपीओ की ट्रेनिंग करवाते हैं। देख लो, भर के देख लो, अगर हो जाए तो। वैसे देखो मैं ये नहीं कह रहा कि ये मान होगा, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिकल्स इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर डिप्लोमा है 2 वर्षीय, सॉरी, तो हो सकता है, और नहीं है तो फिर बस आपको फिर बाद में फिजिकल के टाइम पर जो है फिजिकल ही नहीं देने देंगे, रेट में क्वालिफाई हो भी गया तो ये दिक्कत आती है। यूपी कोटा 15%, ठीक है, 4000 का 15% नहीं मिलेगा भाई, जनरल का 15% मिलेगा। जनरल जितना वैकेंसी है जनरल कोटे से उनका 15% मिलेगा। सर मैं 2017 की मेरिट में 2.50 से आउट हो गया। ओके, इस बार अच्छी मेहनत करो, बचपन से मेरा ठीक है। सचिन का ड्रीम था भाई बचपन से, और अब ये पूरा करेंगे इस बार, मुझे ऐसी उम्मीद है। सर MP जनरल मेरिट, आपने कैसे तैयारी की थी? जयश्री कश्यप, तैयारी मैंने बहुत लंबे समय से करता आ रहा था, और जो भी एग्जाम फॉर्म निकलते थे, जो भी भर्ती निकलती थी उसका फॉर्म डालता था, उसकी तैयारी करता था। ऐसे धीरे 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 गागर में सागर भरता चला गया, बूंद बूंद से घड़ा भर गया, और फाइनली जब वैकेंसी आई तो 2012 में सिलेक्शन हुआ। फिर उसके बाद फिजिकल नहीं निकला तो बताया था मैंने आपको, 13 में हुआ, फिर 13 में नहीं निकला, फिर 14 में, फिर 15 में फिजिकल रिटर्न ही फेल हो गया। फिर उसके बाद फिर तैयारी करी, फिर 16 में वैकेंसी आई, 16 की वैकेंसी में फाइनली रिटर्न और फिजिकल दोनों क्वालिफाई किए, अच्छे नंबर से पास किए थे। तो पहली और तीसरी चॉइस थी, दूसरी चॉइस मेरी वायरलेस थी, तो दूसरी चॉइस में मुझे वायरलेस मिल गया था। पहले नंबर पर साइबर सेल था, वो नहीं मिल पाया था बहुत कम वैकेंसी के कारण, और उसके बाद वायरलेस मिला, और आज मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ। तो आप भी करिए, मैं चाहता हूँ अभी आपसे, इसीलिए मैं अपना 1 घंटा लेके आपके लिए क्यों आया हूँ? अभी मैं ड्यूटी से फ्री हुआ, ड्यूटी से आने के बाद मैंने सोचा क्यों ना आपसे बात की जाए, तो ये क्यों हुआ संभव? इसीलिए संभव हो पाया है। पिस्तौल लगाने का शौक है मुझे, पिस्तौल तो नहीं मिलेगी अविनाश,
हर कांस्टेबल के लिए पिस्तौल नहीं मिलती है, इन द रेयर केस आपको पिस्तौल मिलती है वो भी ऐसे में मोस्टली दी जाती है, और राइफल रहती है वैसे ड्यूटी के दौरान। पिस्तौल तो बहुत, पिस्तौल एंड रिवॉल्वर तो हर केस में हर लड़के को या हर जवान को नहीं मिलती है, बहुत कम जो है ऐसे अफसर होते हैं जिन पर आपको इशू की जाती है। तो बाकी आपको राइफल मिलेगी, चलाने का मौका मिलेगा, चलाना सिखाएंगे और बस ये सब चीजें होंगी, फिर आपका ड्रीम पूरा हो जाएगा। चलो सर, मदर नेम में मिस्टेक है, कैसे संशोधन करें? संशोधन कर लीजिए, संशोधन के लिए आप उसी जगह जाइए जहां से फॉर्म भरा है और उसको बताइए कि संशोधन करना है फॉर्म में, और आप संशोधन कर लीजिए। अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, अब फॉर्म भरा तो हो ही गया है, हो जाता कोशिश करके देखिए, हो जाता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो टेंशन मत लीजिए, अब जो हो चुका है वो तो हो ही चुका है, उसके लिए चिंता मत करिए, तैयारी पर ध्यान दीजिए। एमपी पुलिस में बताया तो था हाइट की, ऑलरेडी वीडियो बना दी है, वीडियो देखो यार, बार बार क्या एक ही चीज पूछना, वीडियो भी तो देख लिया करो कभी, वीडियो किसके लिए बनाते हैं आप लोगों के लिए, आप वही क्वेश्चन यहाँ पे करते हो, वीडियो देखो पहले, पूरा चैनल पर जाओ, चैनल विजिट करो, पूरे वीडियो देखो, आपके काम के जो वीडियो है उनको देखने के बाद अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो पूछो बिंदास, आपको रिप्लाई करेंगे। आप ऐसे क्वेश्चन के लिए रिप्लाई जो आपने देखा ही नहीं पूछ लिया बस। ये बताओ 217 लोग मुझे देख रहे हो, 133 लाइक क्यों मिले हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बाकी लोगों को लाइक करना अच्छा नहीं लगता क्या, या आप लोगों को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती हैं? 135 हो गए, 153 हो गए, वाह यार सीधा 20 बढ़ा दिए, ये वेरी गुड, जो 20 लोगों ने मेरी बात, 169 बहुत बढ़िया, अच्छा मेरे कहने के बाद ही करते हो क्या, चलो ठीक है। हाँ तो मेरे प्यारे शिष्यों और शिष्याओं, सभी लोग जो है तैयारी को बढ़िया बेहतरीन तरीके से करते रहिए, कोई दिक्कत आती है तो कमेंट में क्वेश्चन कीजिए, अगर मेरे लायक होगा काम तो मैं आपको बताऊंगा, और मेरे लायक नहीं होगा तो मैं मार्गदर्शन दूंगा कि कहां से आपको पता चल सकती है ये बात, जैसा कि मैंने आपको मेडिकल के बारे में बताया, मेरे बताने से ज्यादा आपको सर्टिफाइड चीज मिलेगी आपको एमबीबीएस डॉक्टर साहब के पास, क्योंकि वो लोग करते हैं, फेल करने का काम भी उनका और पास करने का काम भी उनका, तो वो लोग ज्यादा अच्छे से आपको बता पाएंगे। 217 लाइक चल रहा है अभी, 10 लाइक पीछे हैं, 10 लोगों के लाइक पीछे हैं अभी, 229 लोगों में 217 लाइक मिले हैं, ठीक है, कभी नहीं कहते हैं आपसे, लाज रख लो, लाज को डूबने मत दो यार, इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, एक एक घंटा, हाँ एक घंटे में कितना क्वेश्चन याद होते हैं बताइए, आप कितना पढ़ोगे आप एक घंटे में, और नहीं पढ़ रहे हैं हम आपके लिए, आपको बता रहे हैं जानकारी की, ताकि आप वर्दी पहनकर कल को जो है घूमें, देश की सेवा करें, समाज की सेवा करें, अपने परिवार को, अपने कुल खानदान को गौरवान्वित करें, ये चाहते हैं हम। भाई आपका नाम ऊंचा जाएगा तो हमारा नाम तो वैसे ही हो जाएगा, है ना, आपकी नजरों में फिर जो सम्मान हमें दिखेगा मिलेगा उसकी तो फिर बात ही क्या। सर मुझे भी वर्दी चाहिए, सैलरी से कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया आमिर, आमिर सोहेल देखो कितने अच्छे विचार हैं लोगों के, बहुत बढ़िया, ऐसे लोग जरूर तरक्की करते हैं, समझ लीजिए कि इतना अगर आप पैशनेट हैं इस वर्दी के लिए तो वर्दी को आपसे कोई जुदा कर ही नहीं सकता, वर्दी खुद अपने आपके पास आ जाएगी। तैयारी पर ध्यान और दे लो बस थोड़ा सा, तैयारी भी करते रहना, ऐसा नहीं है तैयारी मत करो बस कमेंट्स करते रहो, तैयारी पर भी ध्यान देना भैया, तैयारी को बिल्कुल कम नहीं करना, अगर कोई दिक्कत आ रही है, कोई क्वेश्चन ऐसे परेशान कर रहे हैं तो आप बकायदा मुझे कमेंट्स कर दिया करो क्वेश्चन को, सर ये क्वेश्चन दिक्कत दे रहा है, टेस्ट नहीं मिल पा रहे हैं, टेस्ट बता दी चुका हूं मैं, अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट लगाना है तो परीक्षा ऐप पर जाके लगा सकते हो, आपको हमारे कूपन को टीचर 50 से आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाता है, आपको 200 रुपए का टेस्ट 100 रुपए में मिल जाता है जिसमें 50 टेस्ट रहते हैं, आपको 600 रुपए की चीज 300 रुपए में मिल जाती है, 100 रुपए की 50 रुपए मिल रही है, सिर्फ टीचर 50 कूपन कोड डालने से। टीचर की आपको स्पेलिंग पता ही होगी तैयारी कर रहे हैं तो, TEACHER और 50 यानी कि 50 टीचर 50, ये आप कोड इस्तेमाल करेंगे इंग्लिश में विदाउट स्पेस, कहां परीक्षा ऐप पर, कोई भी टेस्ट खरीदते समय, बहुत से लोगों ने टेस्ट खरीदे हैं,
और फायदा लिया है टीचर 50 कूपन कोड से, 50% लेस करके आपको टेस्ट मिल जाता है। वैसे आपको 200 रुपए का पड़ेगा, 280, जो टेस्ट 280 के 300 रुपए के हैं वो आपको 150 रुपए में मिल जाते हैं 50 टेस्ट ऑनलाइन। जैसा पेपर में आप जैसा तैयारी जैसे आप एग्जाम हॉल में बैठकर पेपर देते हैं उसी तरह से आपको अनुभव मिलता है, तो वो भी करके आप दे सकते हैं। अगर कोई बच्चे ये चाहते हैं कि हम लोगों को ऑनलाइन नहीं लगाना है ऑफलाइन लगाना है, तो ऑफलाइन के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, ये बहुत बढ़िया है। 3500 पेपर पुराने पेपर लगाइए आप सॉल्यूशन के साथ, आपको उसमें बताया गया है कि कैसे इस क्वेश्चन को हल किया है, मैथ में कोई दिक्कत है तो रीजनिंग में, तो वो भी बताया है किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कैसे हल किया जाता है, व्यापम का पैटर्न क्या है हल करने का, ठीक है। जो कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग में, उनको व्यापम अपने अलग तरह से हल करवा के बताता है आंसर, तो उसका ये इसमें जरूर दिया होगा क्योंकि पुराने पेपर हैं तो स्वाभाविक दिया ही होगा और दिया भी है। इसके अलावा आपको बुक पहले भी बता चुका हूँ, वीडियो देख लीजिए, तैयारी करते रहिए मस्त, कोई दिक्कत आती है तो कमेंट्स में बताइए। अच्छा MP हाइट कितनी मांगी, हाइट का वीडियो बना चुका सर। आबकारी विभाग आरक्षक के भर्ती कब आएगी? यार आबकारी की तो पता नहीं कब आएगी भर्ती, उसका तो कुछ अलग ही सिस्टम है, 13-14 में आई, उसके बाद फिर उसके बाद पता नहीं कब आई, मुझे पता नहीं चल पाया उसका। तो आबकारी की, आबकारी में जाना है आपको, कौन है आकांश, आकांश आर्य, आबकारी में जाना है मतलब, है ना, विचार नेक है आपके, बहुत बढ़िया, बहुत सही, हाँ नवल रघुवंशी का स्वागत है भैया, बहुत बढ़िया नवल, तैयारी करते रहना, इस बार ये समझ लो कि तुम्हारा खेल ही है। प्रिया शर्मा सर कैसे पेपर निकलेगा प्लीज बताओ। प्रिया बता रहा हूँ कि पेपर की जो है टेस्ट लगा लगा के देखना, समय कम पड़ जाता है, पेपर जब आप देने जाओगे तो फिर आपको 2 घंटे कम पड़ जाते हैं, उसके लिए आप क्या करना, टेस्ट लगा के देखना, पुराने पेपर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आपके पास है तो मैं आपको किताब बता ही चुका हूँ, लिंक इनके डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा थोड़ी देर बाद, तो ये लगा के देखो। ऑफलाइन खरीदना तो ऑफलाइन खरीद के देखो, पुराने पेपर कैसे भी मिल जाए वो कबाड़ लो, तैयारी जो आपकी कमजोरी है उनको आप मजबूत बना लो, यानी कि उनको आप जो है अपनी स्ट्रांगनेस में तब्दील कर लो, उसके बाद बस बल्ले बल्ले, पेपर क्यों नहीं निकलेगा। कान का मेडिकल भी होता है चांस। अरे अरे जनाब, देशभक्ति करने के लिए बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है, तो करिए ना, करिए, आप लोगों को सही मार्गदर्शन देना भी एक प्रकार की देशभक्ति है जनाब। किशन तिवारी जी, आप लोगों को मार्गदर्शन देना भी एक तरह की देशभक्ति है, जनसेवा है, मैं आपसे क्या ले रहा हूँ बताओ, आप अपना 1 घंटा ही आपको दे रहा हूँ, आपसे कुछ लिया तो नहीं, तो ये भी एक तरह की देशभक्ति है। मैं तो दो तरह से देशभक्ति कर रहा हूँ, एक तो अपनी ड्यूटी करके और एक आपको मार्गदर्शन दे के। आप भी करिए, आप बहुत अच्छा करेंगे, मुझे आई होप बहुत अच्छे लोग हैं। मैं जब लाइव क्लास लेता था मैथ की क्लास लेता था लाइव, मैं क्वेश्चन लिखा इधर बोर्ड पे, पीछे मुड़ा और आंसर बताइए आप, तो बहुत अच्छी तैयारी है बहुत लोगों की। कितनी सैलरी मिल रही है मुझे, शिवम शर्मा पूछ रहे हैं सर आपको सैलरी कितनी मिल रही है, तो भैया सैलरी का वीडियो बना चुका हूँ उसमें देख लो आप, मैं नहीं बताऊंगा अपने मुंह से सैलरी कितनी मिल रही है, बस ये समझ लो जितनी उसमें बताई है उतनी ही मुझे मिल रही है। अब अगर आपको पता करना है सर इतनी क्यों मिल रही है आपको, तो उसका कारण है 4 साल की नौकरी के बाद ही मुझे उतनी सैलरी क्यों मिल रही है, उसका कारण मैं आपको बताऊंगा बाद में, आप पूछेंगे तो बताऊंगा, खुद से नहीं बताऊंगा क्योंकि पेपर में नहीं आने वाली ये चीज कि मुझे सैलरी कितनी मिलती है। नवल ओके, 90 मार्क्स आ रहे हैं, बहुत बढ़िया आ रहे हैं। हेमंत चौहान बहुत अच्छे आ रहे हैं, हेमंत बहुत बढ़िया आ रहे हैं। पुराने पेपर लगा के देखो, आप जो है ऑनलाइन अपने टेस्ट लगाए हैं उनके अलावा पुराने पेपर और लगा के देखो, बहुत बढ़िया, देखो कितने अच्छे, बहुत बढ़िया। देवेश सिंह चौहान कह रहे हैं कि मेरे दादाजी भी मध्य प्रदेश पुलिस में थे और मुझे भी मध्य प्रदेश पुलिस में ही जाना है, क्या बात है, ये होता है देश प्रेम, कितने अच्छे विचार हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जरूर होगा आपको सिलेक्शन, ऐसे बस तैयारी भी करते रहिए, जरूर सिलेक्शन होगा। ओबीसी वालों की लिस्ट कितने पर जाएगी, कब कर दी ना कट ऑफ वाली बात, कट ऑफ कितने पर जाएगी, तैयारी करो। ओके नवल, बढ़िया सब। सर MP जनरल मेरिट, MP जनरल मेरिट
फिर कर दी विवेक त्रिपाठी यार, तुम तो हमारे इमोशंस को समझो, कट ऑफ की बात क्यों करते हो, कट ऑफ पर क्या रखा है? जैसे गीता में लिखा है कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, तो भैया तैयारी करो, कट ऑफ की चिंता नहीं करो। तैयारी अच्छी होगी तो कट ऑफ आपके हिसाब से जाएगी, और तैयारी नहीं करोगे कट ऑफ देखते रहोगे तो कट ऑफ अपने हिसाब से जाएगी। तुम तैयारी करते रहना, फिर सोचते रहना कट ऑफ के बारे में, कट ऑफ कितना रहेगा, कट ऑफ कितना रहेगा। कट ऑफ तो नहीं बताने वाले हम, पता मुझे है कट ऑफ कितना जा सकता है, लेकिन बताऊंगा नहीं आप लोगों को, क्योंकि पहले एक वीडियो में बना चुका हूं, उसमें बता चुका हूं, उसमें देख लीजिए, देखना है तो। वरना मैं तो ये कहता हूं कट ऑफ पर ध्यान मत दो, कट ऑफ जो जाना होगा चला जाएगा, आपके हिसाब से कट ऑफ जाना चाहिए, कट ऑफ के हिसाब से आप तैयारी करोगे तो कभी सिलेक्शन नहीं होगा, याद ध्यान रखना आप। मैंने ये सोचकर तैयारी करी फिजिकल की कि मुझे 800 मीटर दौड़ निकालनी है, कितने में, 2:45 में, मेरी कभी नहीं निकली। जब मैंने ये सोचकर रनिंग करी कि मुझे तो अपनी रनिंग अच्छी करनी है, ठीक, तो मैं कितना दौड़ा फिर, मैं 3 किलोमीटर दौड़ा प्रैक्टिस में, तो मेरी 800 मीटर ऑटोमेटिक निकल गई। और जब मैं 800 मीटर का निकाल रहा था कि 800 दौड़ना है, 800 दौड़ना है, सॉरी 1 किलोमीटर दौड़ता था मैं, 1 किलोमीटर दौड़ता था, क्या सोच के कि 800 ही तो निकालना है, बन में हो जाएगा खेल, नहीं हुआ, 3 बार फेल हुआ। फिर सोचा कि नहीं इससे कुछ नहीं होगा, 3 निकाल दिए मुझे, 8 तो अपने आप आ जाएगी, हो गया। तो ऐसा ही यहां है, कट ऑफ की चिंता करोगे तो लटक जाओगे। 75 आ रहे हैं मेरे ओबीसी से हूँ, हाँ ठीक है, अच्छे मार्क्स हैं, 80 तक ले आओ इसको, 80-85 के बीच में आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा आपका। वर्दी मेरा जुनून, क्या बात है, बताओ नाम ही इनका वर्दी मेरा जुनून है, तो वास्तव में कितना जुनून होना चाहिए। देख तो देखने से बन रहा है, नंबर भी अच्छे आ रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। ऐसी से हूँ, 165 सेंटीमीटर हाइट है, ठीक है, बिस्वल नियम के तहत देख लेना, ऐसे अपने हो सकता है। 75 आ रहे हैं, ओके, अब मैं फटाक से जो है, जे बात क्या कमेंट है, ठाकुर साहब कह रहे हैं सैलरी बता दो भैया। सैलरी ले ही लो, तुम एक काम करो मेरी सैलरी ले जाओ, बता के क्या करोगे, ले ही जाओ इस महीने की सैलरी ले जाओ। पंकज सेन, सर मेरी सुन लो प्लीज, सुनाओ पंकज फटाफट क्वेश्चन करो। सर वर्दी चाहिए किसी भी हालत में। इरफान, इरफान मंसूरी का है कमेंट कि सर वर्दी किसी भी हालत में चाहिए एमपी पुलिस की, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो जाए, बहुत बढ़िया, जरूर मिलेगी, तैयारी करो, बहुत बढ़िया है ना। सिर्फ बढ़िया नहीं, बहुत अच्छी तैयारी करनी है अपन को, और अब तो बहुत कम समय बचा है, 15 दिन मान लीजिए, एक पखवाड़ा बचा है, डेट नहीं बड़ी तो एक पखवाड़ा है, डेट बड़ी तो समय ही समय है, फिर तो तैयारी हो ही जाएगी बढ़िया, है ना। अगर डेट बढ़ती है तो इंशाल्लाह तैयारी हो ही जाएगी अपनी। इरफान बहुत बढ़िया, सर वेरिफिकेशन में कोई केस हो तो क्या होगा, वेरिफिकेशन में, बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन, अच्छा है। अगर आपके पास कोई केस दर्ज है जिसको जो जिसका न्यायालय में विचाराधीन है जो, या फिर आप सजा खा चुके हैं या बरी हो चुके हैं, जो भी स्थिति हो साफ साफ उसमें लिखना है आपको वेरिफिकेशन फॉर्म में। वेरिफिकेशन से पहले आपसे वेरिफिकेशन फॉर्म भरवाया जाता है, जो कि हर आपके जहां जहां आपने पढ़ाई की है रहे हैं वहां के थाने में जाता है वेरिफिकेशन के लिए। तो उस फॉर्म में आपको यही पूछा जाता है कि क्या आपके पास कोई केस दर्ज है आपके नाम पर, नहीं है तो हाँ ना ही में ऑप्शन दीजिए, अगर है तो उसका बताइए कौन सा केस है, क्या कब हुआ था दर्ज, क्या उसमें आपको सजा मिल चुकी है, मिल चुकी है तो बताइए कितने साल की मिली, क्या विचाराधीन है तो बताइए कौन सा न्यायालय विचाराधीन है, ताकि वहां पता किया जा सके। तो इस तरह की जानकारी आपको छुपानी नहीं है, छुपा लोगे तो बाद में बहुत दिक्कत आ जाएगी, समझ लेना, आप जेल भी जाओगे नौकरी भी जाएगी, और बता दोगे और बाद में बरी हो गए तो नौकरी भी रहेगी और जेल भी नहीं जाना पड़ेगा, सब कुछ होगा बढ़िया, और दोषी हो गए तो फिर आपको जेल दोष में जाना है, बाकी नौकरी चली जाएगी आपकी, लगेगी ही नहीं, दोषी सिद्ध हो चुके हो तो लगे कोई नहीं, नौकरी नहीं लगेगी, मतलब ये है कहने का मेरा, अगर दोषी सिद्ध पहले ही हो चुके हो तो नौकरी लगेगी नहीं, और अगर विचाराधीन है तो नौकरी लग जाएगी दोषी होने पर, फिर चली जाएगी, पर उसमें आपको जेल नहीं होगी, इसकी तरफ से ये धारा नहीं जुड़ेगी आपकी, क्योंकि आपने उसमें खुलासा किया है। पहली बात तो जब तक केस टूटेगा नहीं आपकी ज्वाइनिंग ही नहीं करवाएंगे वो लोग, ठीक। और अगर आप बरी हुए हो उसमें, आपको सजा नहीं हुई है, आप दोष मुक्त हो, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, दोष मुक्त होने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको बकायदा ज्वाइनिंग मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं, सैलरी मिलेगी, सब कुछ सब बढ़िया होगा। फिर सर मेरे 75 नंबर एसटी से हूँ, एसटी से हो, 75 आ रहे हैं, बहुत बढ़िया आ रहे हैं नंबर, देवेंद्र, देवेंद्र राठौर, और अच्छी तैयारी कर लो, 80 आ गया ना तो श्योर समझ लेना सिलेक्शन अपना, श्योर समझ लेना सिलेक्शन, 80 नंबर आ गए तो, और अच्छी तैयारी करो। ये बार बार मैं 5 नंबर सबके बढ़ा के क्यों बोल रहा हूँ, आप
यहीं पर ना रुक जाए इसलिए, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि 80 में हो ही जाएगा, लेकिन आप यहीं पर ना थमे रह जाए कि मेरे तो 75 आ गया, सर ने बोल दिया था, 80 की तैयारी करो। 80 की तैयारी करोगे तो नेक्स्ट लाइव में कह दूंगा कि 85 लाओ, है ना। कुल मिला के रुकना नहीं है, 15 दिन बचे हैं ना, तो बस 15 दिन में तो आर पार करनी है अपन को। राजेश रायकवार, कोई दिक्कत नहीं है, ये बीमारी जो है कोई दिक्कत नहीं है, चलता है। एग्जाम ऑनलाइन होगा दीपक, एग्जाम ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। सर पेपर एक्सटेंड हो जाएगा, पेपर की डेट जो है वो आगे बढ़ सकती है, संभावना पूरी पूरी है, ऐसा ही कवाई कुछ नहीं पता। ऐसा ही की अच्छा, एक और चीज सुन लो, अगर आपके पास ऐसा कोई कॉल, मेरे पास आया था एक बार कॉल जब मैं खुद पुलिस की तैयारी कर रहा था और जब मेरा पेपर निकल गया था, हालांकि बाद की बात है, मैं बाद में बताऊंगा आपको, लेकिन फिर भी अगर भूल जाऊं तो आप आज समझ लो 250-300 लोग जो मुझे देख रहे हैं, ये मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं जो बिल्कुल किसी भी हालत में बैठे हों तो मेरा जरूर लाइव देखते हैं, तो इनको बताना भी जरूरी है। आपके पास ऐसे कॉल्स आएंगे कि भाई आपका सिलेक्शन करवा रहे हैं, हो रहा है, आपने फॉर्म फिल किया है, बहुत अच्छी बात है, अब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, थोड़े से आप ये जो है पैसे वैसे दे दो, ऐसे कॉल आते हैं फ्रॉड कॉल, इन फ्रॉड कॉल से आप सावधान से सतर्क रहें, इनकी बातों में ना आए, पहली बात। ये आपसे कहेंगे हम भोपाल से बात कर रहे हैं, पुलिस विभाग से, या ऐसे किसी पता नहीं डीएम ऑफिस से, मेरे पास तो आया था जब कोई मुझे बोला था कि डीएम ऑफिस से बात कर रहा हूँ भोपाल से, आपने फॉर्म डाला है, आपका सिलेक्शन हो रहा है, यहाँ पे इन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है, आपके डॉक्यूमेंट सेंड कर दीजिए और 10-15 हज़ार रुपये जो भी आपको डिमांड करते हैं वो सेंड कर दीजिए। मैंने सोचा कि कौन सा डीएम ऑफिस है जो यार एमपी पुलिस की भर्ती करवा रहा है, व्यापम लिस्ट देगा, गृह विभाग भर्ती करवाएगा, डीएम ऑफिस का कोई रोल ही नहीं है इसमें, तो उस टाइम पे मुझे ये पता था कि डीएम ऑफिस का कोई रोल नहीं होगा इसमें, तो मैं बातों में नहीं आया, बाकी बहुत से लोगों ने मुझे कॉल किया, जो मेरा ग्रुप था 200 लोग उसमें ऐड थे, करीब 200 के कम होंगे, 150-200 लोग जो थे ऐड थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि भैया ऐसे ऐसे कॉल्स आ रहे हैं हमारे पास, ऐसे रिकॉर्डिंग भी सेंड करी उन्होंने उनकी, कि क्या करना चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट उनको मेल कर दें क्या हम लोग, तो मैंने उनको बताया कि कुछ नहीं कर देना, नहीं तो मतलब ये मिसयूज कर लेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स का भी और आपके पैसे भी चले जाएंगे, क्योंकि ये भर्ती बिल्कुल पारदर्शी तरीके से होती है, इसमें किसी तरह का कोई लेनदेन, किसी तरह की कोई रिश्वत, किसी तरह का कुछ पैसा वैसा नहीं चलता है, कोई भी आपसे मांगे उसकी तत्काल शिकायत करो, उसकी तत्काल FIR करवाओ, आपसे कोई डिमांड करता है पैसे की तो, किसी तरह का कोई पैसा नहीं चलता है, राजनीति भी नहीं चलती है, आप सोचो नेता से फोन लगवा देंगे तो आपका काम हो जाएगा, बिल्कुल पारदर्शी भर्ती है, किसी तरह का कोई सोर्स या कोई पैसा नहीं चलता है भर्ती में, बिल्कुल आप ईमानदारी से पेपर देंगे, ईमानदारी से आपकी मेरिट बनेगी और ईमानदारी से ही आपकी अगर पात्र हैं तो आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, तो ये चीज़ ध्यान रखना, बाकी बहुत से लोगों को ये चीज़ पता होगी और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें पता नहीं होगी, तो भाई सतर्क रहना, सावधान रहना, किसी तरह की बातों में नहीं आना, कोई कहे कि मैं इतने लाख दे दो सिलेक्शन करवा दूंगा घर बैठे, बिल्कुल बातों में नहीं आना। कई रैकेट ऐसे भी चलते हैं जो दूसरों की जगह दूसरों को पेपर देके करवाते हैं कि तेरी जगह दूसरा पेपर दे दे, दूसरे जगह दूसरा फिजिकल दे दे, ऐसी लोगों की बातों में नहीं आना, नहीं निकलेगा ना निकले, लेकिन अगर पकड़े हो गए जेल चले जाओगे, भविष्य बर्बाद हो जाएगा, कभी पेपर नहीं दे पाओगे, नौकरी नहीं ले पाओगे, तो ये चीज ध्यान रखना बिल्कुल अच्छे तरीके से, मेरी बात गांठ बांध के सुन लेना, ठीक है। तो भविष्य को बर्बाद ना करें, मेहनत ईमानदारी से करें, ईमानदारी से ही नौकरी मिलेगी, हम लोगों को भी मिली यार, एक रुपया खर्च नहीं किया हम लोगों ने, तो तैयारी में पैसा खर्च हुआ, कोचिंग किताबों में बस वो पैसा खर्च हुआ है, वो तो सबका होता है, इसके अलावा एक पैसा नहीं दिया किसी को, ठीक। और आज आपके सामने वर्दी पहन के भी बैठे हैं, मतलब पहन के नहीं बैठे हैं अभी, लेकिन वर्दी है, वोटिंग बो रही। सर मेरा कान खराब है, उससे कम सुनाई देता है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? देखो एक कान खराब है, एक कान से कम सुनाई देता, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे से सुन लोगे, है ना, उनको थोड़ी पता चलेगा कौन से नहीं सुन रहे कौन से सुन रहे हो, आपको सुनाई आना चाहिए, आपकी नौकरी जिस चीज से प्रभावित होती है वो चीज आपको मान्य नहीं करेंगे, उसमें आपको अपात्र कर देंगे वो लोग। करना क्या है, ड्यूटी करनी है, और ड्यूटी करने में कौन सी चीज बाधा डालेगी, वो चीज अगर आपकी बाधा डालेगी और अब वो आपके पास मतलब समझ रहे हो ना, तो फिर दिक्कत हो सकती है, इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कहते हो सर एक दांत टूटा है, ये बताओ आपकी ड्यूटी करनी है, आपको गश्त करनी है, अगर आपका एक दांत टूटा हुआ तो क्या गश्त करने में आपको दिक्कत आएगी, क्या मुलजिम पेशी करवाने में आपको दिक्कत आएगी, क्या आगे जब आप हेड कॉन्स्टेबल बन जाते हो, ASI बन जाते हो, क्या विवेचना करने में आपको दिक्कत आएगी एक दांत कम होने से? कुछ नहीं आ रही यार, उसको दिक्कत क्या आएगी? तो ऐसी चीजों से कोई परेज, ऐसी कोई चीजों से समस्या आपको मेडिकल के समय नहीं आएगी।
बिल्कुल नहीं दिखता है, तो भाई जब दिख ही नहीं रहा है तो कैसे आदमी कॉपी पेन लेके बैठेगा, काम करेगा, बेचना करेगा, जाएगा आएगा, कुछ भी काम करेगा। तो ऐसे लोगों को नहीं डल पाएंगे फॉर्म, जिनको बिल्कुल नहीं दिखता है, बिल्कुल सुनाई नहीं देता है। अधिकारी कोई आदेश देगा तो आप सेट पर बैठे हो, कंट्रोल रूम में ड्यूटी लगी है, कोई सेट पर पॉइंट चला, आप चूंकि बहरे हैं आप सुन ही नहीं पाए हैं, तो ऐसे लोग फिर जो है दूसरी कैटेगरी में आ जाएंगे, तो वो लोग फिर इसके लिए एलिजिबल नहीं होते। बाकी थोड़ा बहुत चलता है ना। अब सबकी जो श्रवण शक्ति है, दृष्टि क्षमता है, एक जैसी नहीं होती हर व्यक्ति की, थोड़ा थोड़ा अंतर कम ज्यादा का रहता है, बिल्कुल कम नहीं होनी चाहिए, बस ये है कहने का तात्पर्य। ओके थैंक यू। एमपीएसआई के कितने चांस हैं, कब तक आ सकती है एमपीएसआई के चांस? तो यार पूरे पूरे बन जाते हैं हर साल, लेकिन आती नहीं है। मैं क्या बताऊं उसके चांस की, मैं खुद इंतजार कर रहा हूं एसआई की, तो 2017 के बाद कभी भर्ती नहीं हुई है। बाकी हाँ इस साल आने का है, आएगी तो सबको पता चली जाएगी, बाकी वो पहले से भी पता चलने लगती है बातें। अभी बहुत से पद खाली हैं एसआई के, लगभग 800 के आसपास पद खाली हैं, तो भर्ती तो होनी चाहिए, रिटायरमेंट से पहले भर्ती हो जाएगी, ये तो कन्फर्म है। रिटायरमेंट होंगे लोग, काम कौन करेगा? अभी एक और गवर्नमेंट रूल लेके आई है, पैरा 72 में संशोधन करके ये लाए हैं गृह विभाग, कि आप हेड कांस्टेबल का काम कांस्टेबल से ले सकते हो, कांस्टेबल के भी क्राइटेरिया है, कौन सा कांस्टेबल कर सकता है हेड कांस्टेबल का, एएसआई एसआई का काम कर सकता है, एसआई टीआई बन सकता है ना, रैंक धारण करके उसके काम संभाल सकते हैं। तो ये चीज क्यों करनी पड़ी? क्योंकि बल की कमी को देखते हुए करनी पड़ी। भर्ती एकदम से भी नहीं करवा सकते, उसके कारण है भर्ती ना करवाने के, क्योंकि एक तो बजट ना होना, पैसा ना होना गवर्नमेंट के पास, दूसरा इतने कम समय भर्ती प्रक्रिया पूर्ण भी नहीं हो पाएगी कि आपकी भर्ती आज ही फॉर्म डाले और कल ज्वाइन करवा दे आपको, उसमें साल भर का समय लग जाता है, साल भर तक काम कौन करेगा, थानों के काम कितने पेंडिंग डले हैं। तो इन सब चीजों को देख के रूल लाया गया, ठीक है वो एक अलग चीज है, पर आपकी भर्ती भी जल्दी से जल्दी सरकार करवाने की कोशिश में है, जैसे ही सरकार के पास पर्याप्त धन राशि इकट्ठी हो जाएगी, बजट राजस्व जो जिससे भी होती है सब आ जाएगा, सब कुछ सेट हो जाएगा, तो उसके बाद फिर जो है भर्तियां शुरू हो जाएंगी। और भर्तियां ऐसी शुरू होंगी कि बस झरी लग जाएगी भर्तियों की, अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो कहीं ना कहीं आप फिट हो जाएंगे, है ना, पैती गंगा में आप भी हाथ धो ही लेंगे। तो हाथ धोने के लिए पहले तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी। सर मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, मेरा एक पोस्ट मेरा है 100% है। अच्छा एक पोस्ट आपका, एक वैकेंसी आपकी है, बहुत बढ़िया। जनरल से हूँ सर, 50 आ रहे हैं। उज्ज्वल 50 बहुत कम है भाई, 50 से कुछ नहीं होगा यार, 50 तो मतलब समझ लो 50 इसमें आ रहे हैं तो वहाँ 30-35 नहीं रह जाए आपके, 40 नंबर आएंगे फिर आपके, वहाँ 10 नंबर का कम ना ज्यादा हो सकते हैं, 90 लाएंगे तो 80 आएंगे, 80 लाएंगे अगर यहाँ पे टेस्ट सीरीज में और बाकी चीजों में तो 70 आएंगे, मतलब के आसपास लगभग, एक्यूरेट मत मानिएगा। तो तैयारी उस हिसाब से रखो, आप 80 प्लस की कोशिश करिए, 80 नहीं सॉरी जनरल में 90 प्लस की कोशिश करिए। होम गार्ड एलिजिबिलिटी क्या है, उसकी पुरानी विज्ञप्ति उठाकर देख लीजिए, उसमें मिल जाएगा आपको, फिर इसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे, जब वैकेंसी आएगी तो बना देंगे। तैयारी करिए, सिलेबस सबका सेम है, रीजनिंग आएगी, मैथ आएगा और जीके एमपीजीके, बस साइंस पढ़ते रहिए, इसके साथ आपको और पढ़ना है तो मैथ और सॉरी हिंदी और इंग्लिश पढ़ते रहिए थोड़ा थोड़ा। सैलरी आपको 14,000 मिलेगी जब आप भर्ती हो जाओगे, इस बार इस भर्ती में आपको 14,000 रुपये मिलेंगे। 71 आ रहे हैं, क्या करूं, तैयारी और अच्छे से करो, रो क्यों रहे हो। कॉपीएफ सर एग्जाम कितने लीव मिलती है, एक दिन दो दिन तीन दिन, जितना दिन पेपर चलेगा उतने दिन की लीव मिल जाएगी, वो भी कुछ कंडीशंस में कि विभाग का काम प्रभावित ना हो आपके जाने से, कोई बहुत बड़ी ड्यूटी ना हो तब, ठीक है, ऐसी स्थिति में फिर आपको लीव मिल जाती है। कौन से टेस्ट सीरीज लूं, यार बता चुका हूँ इसी वीडियो के स्टार्टिंग में, एक बार और बता देता हूँ यार। चलो देखो ऑनलाइन लगाना है, अगर ऑनलाइन लगाना है टेस्ट तो परीक्षा ऐप डाउनलोड करके टीचर 50 कूपन कोड इस्तेमाल करना। चलो लिख के बता देता हूँ, कूपन कोड कई बार लोग गलत डालते हैं, फिर कॉल फिर मैसेज कमेंट करते हैं सर काम नहीं कर रहा, ये देखेगा यहाँ पे, ठीक है यहाँ लिख देता हूँ, सॉरी यहाँ लिख देता हूँ, TEA CHER 50, ठीक, ये कूपन कोड है, ये कूपन कोड आप डालेंगे किसी भी टेस्ट को खरीदते समय, अपने आप उसकी कीमत आधी हो जाएगी, अगर 300 का है तो 150 हो जाएगा, 150 का है तो 75 हो जाएगा, ठीक, कोई भी कोड कोई भी टेस्ट सीरीज
एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी एसआई, ग्रेड टू सब ग्रुप फोर्थ, एसएससी जीडी, एमपी पीएससी, जितने एग्जाम होते हैं सभी की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। अलग अलग प्राइस भी है, सेम प्राइस भी है कुछ की। कहीं भी कोई भी टेस्ट सीरीज खरीदेंगे ये कोड डालेंगे, कोई भी कोर्स खरीदेंगे ये कोड डालेंगे, कुछ भी खरीदेंगे आप परीक्षा ऐप पर ये कोड आप डालेंगे, कूपन कोड टीचर 50 TEACHER50 टीचर 50 लिखेंगे, ऑटोमेटिक रेट आदि हो जाएगी। ठीक है, ये हो गई ऑनलाइन। अब आप सोच रहे होगा सर कैसे डाउनलोड करें, कैसे क्या करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लो परीक्षा ऐप, उसमें उसमें फिर आप जो है टेस्ट सीरीज खरीदते समय ये कूपन कोड जरूर डाल देना। एक ही पब्लिकेशंस की है, इसमें प्रैक्टिस सेट है और इसमें पुराने फॉल पेपर। 2017 में भर्ती हुई थी उसमें 35 पेपर हुए थे, 35 कांस्टेबल के पेपर हुए थे, 35 के 35 इस बुक में हैं, सॉल्वड पेपर हैं, यानी कि पूरे सॉल्यूशन के साथ हैं हर विषय का, चाहे वो रीजनिंग हो, मैथ हो, एमपीजीके हो, करंट, हर चीज का सॉल्व सॉल्यूशन उसमें दिया है और आंसर दिया है, सब कुछ दिया है। बढ़िया बुक है, हमेशा आपके साथ रहेगी। खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, अभी दी नहीं है, कमेंट नहीं करना कि सर लिंक नहीं मिल रही है, अभी दी नहीं है, एक घंटे बाद लिंक मिल जाएगी, क्लिक करके खरीद सकते हो कभी भी। ठीक है, अच्छा अब तो सॉल्वड पेपर भी था और प्रैक्टिस सेट भी था, तो वहां से कर सकते हो आप, ऑफलाइन करना चाहो ऑफलाइन कर सकते हो, ऑनलाइन करना चाहो प्रैक्टिस तो ऑनलाइन कर सकते हो, प्रैक्टिस करके देख लेना, नहीं तो फिर बाद में समस्या बहुत लोगों के साथ आएगी और फिर आप भाई दुखी होगे। समस्या क्या आएगी, आपको समय नहीं मिलेगा, करके देख लोगे तो समय का अंदाजा लग जाएगा कि इतने मिनट में मुझे मैथ हल करना है, इतने मिनट में मुझे रीजनिंग हल करनी है, उसके बाद मेरे पास इतने मिनट बचते हैं जिनके बाद इतने मिनट में मैं इतने क्वेश्चन हल करूंगा तो मेरा पेपर पूरा हल हो जाएगा और मुझे घबराने की भी आवश्यकता वहां पे पेपर में नहीं होगी, इजिली मेरा हो जाएगा। शुरू में होता है, समस्या सबके साथ आती है, हमने बहुत एग्जाम दिए हैं पहले, दिक्कत यही आती थी जब बार बार लगा कर देखे पुराने पेपर लगा कर देखे तो पता चला कि यार अब सही बन रहा है, 100 नंबर का हम इतने मिनट में निपटा देते हैं पूरा पेपर, तो ये चीज आ जाती है। तो ऑटोमेटिक जो क्वेश्चन अपन को थोड़े बहुत याद होते हैं, सोचने का समझने का समय मिल जाता है हमको कि यार क्या हो सकता है उसका, क्या हो सकता है, समय ही नहीं होगा तो सोचोगे कैसे, और जब जल्दी जल्दी घबरा घबरा के करोगे ना तो जो याद होगा अभी वो भी चला जाएगा मेमोरी से, है ना, क्योंकि मेमोरी की जो अपनी पावर होती है, क्षमता होती है, कहीं ना कहीं समय पर भी वो करती है। आप थोड़ा सा अगर आप दिमाग डालेंगे, दिमाग पर जोर डालेंगे तो आपको उसके लिए समय चाहिए होगा सोचने के लिए, तो समय बचा कर रखना बहुत जरूरी होता है, समय बचाने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बार बार, नहीं तो समय पूरा खपा देंगे आप पेपर में। चलो अब आज अब जो है टेस्ट सीरीज का बता चुका हूँ, बार बार कमेंट करेंगे टेस्ट सीरीज बता दो, तो ये वीडियो को दोबारा देख लेना यार, रिवाइंड करके मिल जाएगा। सर वैकेंसी कब बताएं, कब तक आएंगी, कल के लिए भी छोड़ दो, कुछ एक घंटा हो गया आज लाइव, अब कल भी आएंगे, आ जाएंगे तो कल बता देंगे कुछ चीजें, बाकी तैयारी करते रहिए, बहुत बढ़िया आप लोग कर भी रहे हैं, मुझे ऐसी मेरी उम्मीद आपसे है, क्योंकि जब आपको लाइव पढ़ाता था तो मैं देख चुका था कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और आपको एक अच्छे मार्गदर्शन की आवश्यकता है, ताकि आप कोई ऐसी गलती ना करें फॉर्म भरते समय और उसकी तैयारी करते समय, फिजिकल देते समय, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ चाक चौबंद रखें, ताकि किसी भी तरीके से आपकी पात्रता निरस्त ना हो, सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे, तैयारी आप लोग कर ही रहे हैं, उसकी कहने की मुझे आवश्यकता नहीं है। कोई दिक्कत आती है तो आपके लिए बैठा हूँ, वीडियोस लाता हूँ, वीडियोस देख सकते हैं आप और लाइव सेशन के माध्यम से आप अपने मन की बातें जो भी हैं वो पूछ सकते हैं। देखो कमेंट्स तो बहुत सारे आते हैं, कमेंट उनका ही पिक करता हूँ, उनका ही जवाब देता हूँ जो यूनिक कमेंट होते हैं, जैसे कि अब जैसे जिसने पूछा यूनिक कमेंट, एक व्यक्ति ने रविंद्र यादव ने पूछा है सर 323 हो तो क्या करें, धारा लगी है भैया पे रविंद्र यादव पर, 506 323 मारपीट की होती है, 506 जान से मारने की धमकी देने की होती है, ये लगी है आपके ऊपर, 294 भी लगी होगी आप पर, जब ये लगती है तो 294 भी मतलब मोस्टली लग जाती है, वो गाली देने की होती है, अश्लील गाली गलौज की, तो अगर आप ये धाराएं लगी हैं तो धारा होती है, चाहे वो छोटी से छोटी गाली गलौज की हो, चाहे वो बड़े से बड़े केस की हो, है ना, आईपीसी के अपराध है ये सब, तो फिर आप जब वेरिफिकेशन होगा तो आपको लिखना पड़ेगा कि मेरे ऊपर इन धाराओं पर केस दर्ज है, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत इन धाराओं के तहत मुझ पर मुकदमा दर्ज है। अब उस पर आपका केस अगर चल रहा है तो आपको विचाराधीन लिखना होगा,
न्यायालय में विचाराधीन है, सजा मिल चुकी है, तो वो फिर आपको कोई मतलब ही नहीं फिर फॉर्म भरने का, वो भी लिखना पड़ेगा भर दिया है तो। और अगर बरी हो चुके हैं, सजा नहीं मिली है, राजीनामा हो चुका है या किसी अन्य तरह से आप केस जीत चुके हैं, सामने वाली पार्टी केस हार चुकी है, तो वो भी आपको उसमें मेंशन करना होगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। और अगर सजा मिली है तो आपकी ज्वाइनिंग ही नहीं होगी, विचाराधीन है तो ज्वाइनिंग तब तक नहीं होगी शायद जब तक आपका क्लियर नहीं हो जाता, ऐसा मुझे मेरा आइडिया है कि तब तक नहीं होगी, या फिर ज्वाइनिंग करवा देंगे तो फिर आप फिर आपको सैलरी दे देंगे तो सैलरी वापस लेनी पड़ेगी, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ज्वाइनिंग ही नहीं देंगे, है ना। बरी हो चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो पर आपको लिखना जरूर पड़ेगा, लिख देना, खाली मत छोड़ना और छुपाना मत भैया जानकारी को, छुपाना बहुत बेकार है, है ना। छुपाओगे तो फिर तो वो जेल जाओगे धारा के चक्कर में, वो तो एक अलग ही है, साथ में 420 फ्रॉड की ओर लग जाएगी, आप शासन को गुमराह करके नौकरी हथियाना चाह रहे थे तो उसकी एक अलग से धारा बढ़ जाएगी, उसकी सजा अलग बढ़ जाएगी आपकी, तो ऐसे काम नहीं करना, छुपाना मत, सब बिल्कुल सही सही जानकारी उसमें देना। और कोई दिक्कत आए, किसी तरह की कोई जानकारी आपको लेनी हो, पूछना हो कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे साथ, मैं क्या करूं, इसमें ऐसा क्या होगा, मतलब कुछ भी चीज जो मेरे लायक आप समझते हैं कि सर बता पाएंगे, तो वो मुझसे आप कमेंट में कभी भी लाइव सेशन में पूछ सकते हैं, मेरी नजर पड़ जाएगी कमेंट पर तो रिप्लाई जरूर करूंगा। जिनके रिप्लाई नहीं आ पाते हैं, समझ लीजिए सर ने कमेंट देख नहीं पाया इसलिए रिप्लाई नहीं किया है। सर वेट कितना होना चाहिए? मिनिमम 50 kg वेट मेल कैंडिडेट का होना चाहिए, लड़कों के लिए 50 kg कम से कम वजन होना चाहिए। शशांक ओके, हाँ ITI इलेक्ट्रीशियन वाले भी रेडियो का एग्जाम देंगे, बिल्कुल सही बात है, पर आपको उसके लिए चूज करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा दोनों का। NCC की कोई अब वो नहीं है, NCC का पहला नंबर मिलते थे, अब कुछ नहीं मिलता है। तो चलो भैया आप जो है, अब एक घंटा हो गया है लाइव, बहुत समय से लाइव है यार, कमेंट आप लोगों ने और तेज कर दिए हैं, पहले तो धीरे धीरे कर रहे थे कमेंट। एग्जाम डेट बढ़ सकती है, मेडिकल में प्राइवेट पार्ट चेक नहीं होता है, सर किसी ने पुलिस में गलत रिपोर्ट करा दी हो तो क्या उसके कोई जॉब में प्रॉब्लम है? देखो अगर किसी ने अपनी फर्जी रिपोर्ट करवा दी है, झूठी रिपोर्ट करवा दी है, अपन उसको गाली नहीं दी, मारा पीटा नहीं है और न धमकी दी है, फिर भी अगर उसने ऐसी कोई धारा लगवाई है, किसी भी तरह की कोई धारा फर्जी झूठी लगवा दी है, भाई केस तो केस होता है, पुलिस विवेचना करेगी आपने किया है ऐसा नहीं किया है, विवेचना में जो निर्णय आएगा उस पर फिर आपको कोर्ट सजा देगा, कोर्ट ने सजा मुकर्रर कर दी या दे दी या कह दिया हाँ ये दोषी है, पुलिस ये डिसाइड नहीं करती कि आपने दोष किया है, पुलिस सिर्फ विवेचना करती है, जो तथ्य मिलते हैं उन तथ्यों को इकट्ठा करके न्यायालय में प्रस्तुत करती है, न्यायालय में तथ्य प्रस्तुत करने के बाद न्यायालय सजा देता है या बरी करता है या जो भी कुछ होता है, वहां से होने के बाद फिर आप दोषी या दोष मुक्त या दोष युक्त दोष सिद्ध दोष सिद्ध या दोष मुक्त या जो भी आप कहलाते हो न्यायालय से कहलाते हो, है ना। तो झूठा लगा दिया है तो उसके लिए फिर आप जो है बताइए, आप प्रमाण दीजिए कि सर ये झूठा लगा है, उसके फिर अलग है, है ना, उसके लिए आप वकील से मिल लीजिए। तो NCC का फायदा नहीं मिलता, थैंक यू सर, ओके वेलकम अमर अमरकांत, तुम झूठ बोल रहे हो, रोहित बॉय रोहित रॉय, सर मेरे पे 377 लगी है, सर मेरी फोटो पे 4 महीने पुरानी डेट डली है, अब उसको डिएडिट करवाना था आपको, अब नहीं करवाइए देखिए क्या होता है। चलो भैया ठीक है, अब सब जो है सबसे विदा लेने का समय आ गया है आज के लिए। एडवांस मैथ का बताओ क्या हुआ प्लीज, एडवांस मैथ्स ज्यादा नहीं आएगा, थोड़ा बहुत अब कर लीजिए, और हाँ एडवांस मैथ मतलब अंकगणित आएगा आपका, आप सोचो कि त्रिकोणमिति आएगी बहुत ज्यादा भारी भरकम, यहाँ पर आपके समाकलन अपकलन इस तरह की कोई चीज नहीं आएगी, 10th क्लास तक का मैक्सिमम आ सकता है, 8th क्लास तक का स्तर लिखा है तो 10th क्लास मान लीजिए ज्यादा से ज्यादा, आप इससे ज्यादा नहीं आएगा, 11th 12th का बिल्कुल नहीं आएगा। तो ठीक है आज जो है चलते हैं, और कल फिर कोशिश करेंगे लाइव सेशन रखने की, कल आपके सवाल जो भी बचे हैं कल पूछिएगा, कल आंसर देने की कोशिश की जाएगी फिर से। और ये इनकी सबकी लिंक जो है, ऑनलाइन टेस्ट ऑफलाइन टेस्ट व्हाट्सएप ग्रुप की भी दे दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है, आप लोग तो ऐड होंगे ही, और ठीक है सबकी लिंक अभी एक दो मिनट या 10 मिनट बाद आपको डिस्क्रिप्शन में मिली जाएगी। ठीक है तो फिर सभी लोगों को गुड नाइट, मिलते हैं कल फिर वीडियो में, जाने का मन नहीं हो रहा लेकिन अभी बहुत टाइम हो गया है और भी काम है पेंडिंग, खाना नहीं खाया है, तो ठीक है फिर कल मिलेंगे, है ना, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद जय भारत।